बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इज एक्स प्लस 2 बाई प्लस 4 जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 2 बाई प्लस 4 जेड का होल स्क्वायर, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हम इसमें यूज करेंगे आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो देयरफॉर इज इक्वल टू, अब हमने इसकी क्या करनी है, दिस इज a, दिस b एंड c। सो a की जगह हमारे पास क्या है? x, x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इज x, b इज 2y, प्लस 2bc, 2 इंटू बी इज 2y इंटू 4z, प्लस 2ca, c इज 4z इंटू x। सो इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, x स्क्वायर प्लस 224 बाई स्क्वायर प्लस 4416 जेड स्क्वायर प्लस 224 एक्स इंटू वाई एक्स बाई प्लस 2 224 4416 वाई इंटू जेड इज बाई जेड, वाई इंटू जेड बाई जेड प्लस 2 4 8 जेड एक्स, एक्स जेड लिख सकते हैं हम इसको। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो हियर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है 2x है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस वाई है, c की वैल्यू क्या है जेड है। तो अब हम इसमें यूज करेंगे आइडेंटिटी। यूज आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आ गई हमारे पास आइडेंटिटी। इसी का यूज करेंगे, सो इज इक्वल टू a इज हियर a का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इज z स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a is 2x, b is into minus y, plus 2bc, b is minus y and c is z, plus 2ca, 2c is z or a is 2x। सिंप्लीफाई करेंगे, 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 4 एक्स बाई प्लस इंटू माइनस माइनस 2 बाई जेड प्लस 2 2 4 एक्स इंटू जेड एक्स जेड। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सभी बच्चे जो हैं पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 अपने आप करेंगे, एंड पार्ट नंबर 6 जो है हमारे पास सिमिलर जो है पार्ट नंबर 3rd 4th एंड 5th, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की तरह ही है। सो इसका पार्ट नंबर 6 मैं करवाऊंगा भी। सो 1.4 ए माइनस 1.2 बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट 1.4a प्लस इनटू माइनस 1.2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो है a की वैल्यू क्या आ रही है हेयर, सॉरी ab की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ रही है, a की वैल्यू है 1.4a, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1.2b एंड सी की वैल्यू जो है हमारे पास इज इक्वल टू 1।
हम डायरेक्ट इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर वन पॉइंट फोर का फोर ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस वन पॉइंट टू बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस टू ए इज वन पॉइंट फोर ए बी इज माइनस वन पॉइंट टू बी प्लस टू बी सी टू बी इज माइनस वन पॉइंट टू बी सी इज वन प्लस टू सी ए टू इंटू सी क्या हमारे पास वन है और ए क्या है वन पॉइंट फोर ए है। नेक्स्ट है हमारे पास इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे 1.4 ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस माइनस 1 है माइनस 1 की पावर और इवन है तो हमारे पास साइन क्या हो जाएगा प्लस का सो 1.4 बी स्क्वायर प्लस 1 टू वन जा टू 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 जा फोर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस का साइन आ जाएगा 2 इंटू टू 4 फोर आ गया 1.4 हियर ए इंटू बी इज ए बी नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस के बी प्लस 2 वन जा 2 2 टू जा 4 तो हमारे पास क्या आ गया प्लस ए अपॉन 2 दिस इज आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम इसी तरह से करेंगे फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन तो इसमें हमें जो गिवन है फर्स्ट पार्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12x बाई माइनस 24 माइनस 24 बाई जेड माइनस 16 एक्स जेड इसको हमने क्या करना है कि ब्रेक करना है इसको। ये हमें गिवन है फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी टू सी ए की फॉर्म में इसको हमने इस फॉर्म में बना लेना है 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3y का होल स्क्वायर बन गया प्लस 4z का होल स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 ए इज 2x एंड बी सी हम देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे प्लस का साइन है यहाँ पर होता है हमारे पास 2 ए बी इट मीन्स हमारे पास ये और ये वैल्यू दोनों क्या होंगी पॉजिटिव लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है 2 सी ए आएगा यहाँ पर तो 2 बी सी आएगा तो बी तो हमारे पास पॉजिटिव है तो हमें सी क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव वैल्यू लेनी चाहिए तो हम यहाँ पे साइन क्या लगा लेंगे इसके साथ माइनस 4z का होल स्क्वायर क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 16z स्क्वायर ही आएगा तो यहाँ पे हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा प्लस 2 इंटू ए इज 2x इंटू 3y प्लस 2 बी सी बी इज 2x बी इज 3y इंटू जेड इज माइनस 4z प्लस 2 सी ए सी इज माइनस 4z ए इज 2x। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे हम यूज कर लेंगे यूज आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 2x है बी की वैल्यू क्या है 3y है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 4z तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम जो है सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।